नमस्कार, मैं डॉक्टर भिक्के राय। आपको मेरे चैनल डॉक्टर भिक्के राय होम्योपैथी क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे। साथियों, आज मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कब्ज कॉन्स्टिपेशन के बारे में और बतलाऊँगा कि कब्ज क्या है, कब्ज होने के क्या कारण होता है, इसके क्या सिम्टम लक्षण होते हैं और कब्ज होने की वजह से कौन सा समस्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बतलाऊँगा। और यह भी बतलाऊंगा कि कब्ज के लिए लाभकारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस समस्या में बहुत अच्छा लाभ देता है और इसके लिए घरेलू उपचार क्या रहेगा। तो यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आपसे गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए, यह वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पज से बनाया जा रहा है। आजकल हमारे समाज में यह समस्या बहुत ही आम समस्या हो चुका है। ऐसा इसलिए कि हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है, ग्रसित है। यदि जिनको सप्ताह में 3 बार से कम मल त्याग होता है तो इस कंडीशन को, स्थिति को मेडिकल की भाषा में कब्ज कहा जाता है। इसके सिम्टम लक्षण है, इसमें मल सख्त हो जाता है, मल त्याग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसमें पेट में दर्द, पेट में गैस बनना, पेट भारीपन महसूस होना, पेट में जो है थोड़ा सा यदि खाते हैं तो फूला फूला महसूस होना, इसमें सांसों के द्वारा दुर्गंध, मुँह से बदबू आना, इसमें मुँह में माउथ अल्सर, सर में दर्द, आपको जो है बहुत ज़्यादा पेट में जब में तब गैस बनना, कब्ज कंस्टिपेशन की वजह से आपको ये सब लक्षण देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है एक लक्षण देखने को मिलता है, जो मुख्य लक्षण है, कब्ज के मरीज को जीभ सफ़ेद हो जाना, ये लक्षण देखने को मिलता है। अब चलिए जानते हैं कि यह जो है कब्ज, इसके होने का कारण क्या है। देखिए, जो लोग यदि बाहर का भोजन करना पसंद करते हैं, मैदे से बने हुए पकवान का भोजन ज़्यादा खाते हैं, ऑयली चीज़, मिर्च मसालेदार और स्पाइसी चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जिसके कारण उनको कब्ज की शिकायत देखने को मिल सकता है। अगला कारण है अपने भोजन में फाइबर की कमी। देखिए, यदि जो हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन में फाइबर की कमी है तो यह भी एक कौज कारण कब्ज का होता है। अगला कारण है डिहाइड्रेशन। यदि जो लोग पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी पाते हैं तो उनको जो है बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण के वजह से भी कौज कारण की शिकायत देखने को मिलता है। अगला कारण है खराब जीवन शैली, खाया पिया, बैठे रहा, सोए रहा, जिसके कारण भी जो है उनको कब्ज की शिकायत देखने को मिलता है। यदि जिनको न खाने का समय है और न सोने का समय है तो इसके कारण भी कब्ज की शिकायत देखने को मिलता है। जो लोग देर से खाते हैं, देर से सोते हैं, या जो लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, इसके कारण भी उनको कब्ज की शिकायत होता है। ऐसा इसलिए कि देखिए, यदि जो लोग खाना खाते हैं जल्दी जल्दी तो एक खाना तो पचा ही नहीं और दूसरा खाना खा लिए, तो इसके कारण भी कब्ज की शिकायत होता है। आजकल एक मुख्य कारण देखने को मिल रहा है कब्ज का, चिंता तनाव युक्त जीवन जीना, यह भी एक मुख्य कौज कारण कब्ज का होता है। आदि कई कौज कारण होते हैं कब्ज कंस्टिपेशन का। अब चलिए जान लेते हैं कि कब्ज के वजह से कौन सी समस्या हो सकता है। तो इससे जो है नौजिया इंगुबेटिंग हो सकता है, छाती में जलन, भूख की कमी, और सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है कब्ज के कारण होता है पाइल्स बवासीर। यह जो है कब्ज के वजह से सभी समस्याएं होता है। अब चलिए जानते हैं इसके लिए लाभकारी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो इसके लिए लाभकारी होम्योपैथिक मेडिसिन है गुड मॉर्निंग कंस्टिपेशन ड्रॉप। इसकी डोज रहेगा 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में 3 टाइम आपको सेवन करना है। यदि जिनको कब्ज
बहुत पुराना है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छे से पेट साफ नहीं होता है, उनका मूड फ्रेश नहीं रहता है, सर में दर्द होता है, जिसके कारण वह ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए एक लाभकारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वाइलेक्स टैबलेट। इसकी डोज एक टैबलेट रात के रात उनको सेवन करना है एट बेड टाइम, जब वह बेड पे सोने जा रहे हों, तो गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन कर लेना है। देखिए, यह यदि वाइलेक्स को वह सेवन करते हैं तो किसी किसी को जो है इससे डायरिया दस्त के भी लक्षण देखने को मिलता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको इस दवाई को जो है बंद कर देना है उस स्थिति में। उसके बाद आपको जो है कब्ज कंस्टिपेशन में इससे बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इस दवाई को ठीक तरीके से लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा कब्ज में लाभ देखने को मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कि कब्ज के लिए घरेलू उपचार क्या रहेगा। तो आपको तांबे के बर्तन में रात में जो है पानी अच्छे से धो करके साफ करके ढक करके रख देना है भर करके, और सुबह खाली पेट उसको जो है आपको नित्य दिन रोज आपको उस पानी को पीना है, जिससे आपको कब्ज में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आप जो भोजन लेते हैं उसके साथ फाइबर भरपूर लें, जिससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। खाना के साथ पर्याप्त मात्रा में आपको जो है खाने के बाद पानी पीना है, खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, खाने की कम से कम 20 से 25 मिनट बाद ही आपको पानी पीना है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, यदि आप भोजन करते हैं तो उसके साथ यदि आप भरपूर सलाद लेते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि सलाद नहीं ले पाते हैं तो कम से कम एक कच्चा प्याज जरूर सेवन करें, इससे भी जो है आपको कब्ज में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो ये था कब्ज के लिए घरेलू उपचार, और मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बतलाया और कुछ इसके लिए आपको और विशेष जानकारी दिया। देखिए, कब्ज की समस्या कभी भी किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, मगर यह समस्या जो है ज़्यादातर ज़्यादा एज के व्यक्तियों में अधेड़ उम्र में जो है यह समस्या ज़्यादातर होता है। देखिए, यह समस्या पुरुष को, महिला को, बच्चों को, बड़े को, किसी को भी हो सकता है, मगर ज़्यादातर जो है अधेड़ लोग में यह समस्या ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों पूरे वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक जो है आप अपने हेल्थ को हेल्दी रखें और खुश रहें। हाँ, एक बात और, देखिए आजकल जो है डेंगू का प्रकोप हमारे समाज में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। इसका जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में, अस्पताल में देखने को मिल रहा है। तो कृपया आप लोग इससे जो है सावधान रहें। जब भी आप मार्केट में जाएँ, जैसे शाम में यदि मार्केट में जाते हैं सब्जी लाने, या किसी से मिलने जाते हैं, दोस्त यार से पार्क में जाते हैं, तो आपको जो है फुल को जो है वस्त्र पहनकर ही जाना है। आपको पूरा शरीर को ढकने वाला कपड़ा पहनना है, और रात में जो है मच्छरदानी लगाकर ही आपको सोना है, और अपने घर में साफ सुथरा पे विशेष रूप से ध्यान देना है। आपको जो है घर में कचरा नहीं जमने देना है, खास करके आपको कहीं पे पानी का जमाव नहीं होने देना है, जिससे आप डेंगू से बच सकें। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जो है खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।